नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूपी में 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। महेंद्र सिंह तंवर वीसी गोरखपुर, विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। नीति गौर नगर आयुक्त गाजियाबाद बनाए गए हैं, तो मनीष मीणा मथुरा के सीडीओ बनाए गए हैं। अभिषेक गोयल वीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण, हिमांशु नागपाल वाराणसी के सीडीओ बनाए गए हैं, अतुल वत्स वीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, तो वही सूरज पटेल को सीडीओ फतेहपुर बनाया गया है। तो अमिता आसरी नगर आयुक्त अलीगढ़ बनाई गई हैं, अंकुर कौशिक चित्रकूट का सीडीओ बनाया गया है, अंकुल लाठर वीसी बुलंदशहर विकास प्राधिकरण, तो दिव्य प्रकाश गिरी विशेष सचिव खाद्य एवं रसद, सत्य प्रकाश अपर आयुक्त आबकारी प्रयागराज, तो अमृतपाल कौर को सुल्तानपुर का सीडीओ बनाया गया है। तो ये वो नाम है जिनमें फेरबदल देखने को मिला है। रविंद्र पाल सिंह विशेष सचिव भाषा बनाए गए हैं, तो रविंद्र पाल को निदेशक हिंदी संस्था का भी चार्ज है। तो सान्या छाबड़ा को अमेठी के सीडीओ बनाया गया है। तो यूपी में बड़ा ये प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, उत्तर प्रदेश में लगातार देख रहे हैं प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, पहले कल की बात करें, देर रात जो है 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए थे, जिसमें से ज्यादातर जिलाधिकारी लेवल के जो जिला लेवल की जिम्मेदारी निभा रहे थे वो अधिकारी थे जिनको इधर से उधर किया गया था। फिर कल आज देर रात जो है 17 जो है आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें से ज्यादातर या तो सीडीओ लेवल के अधिकारी हैं या किसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे या फिर नगर आयुक्त थे। इन 17 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया था। निश्चित तौर पर पहले से उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारियों के और आईपीएस अधिकारियों के तबादले देखने को मिले, क्योंकि देखा गया था कि मुख्यमंत्री ने के निर्देश पर तमाम जो मंत्री थे वो जिलों का दौरा कर रहे थे, मंडलों को उनकी जिम्मेदारी दी गई थी, मुख्यमंत्री ने 6 मंडलों की जिम्मेदारी खुद अपने सर पे ली थी, और साथ ही साथ जो उनके सहयोगी थे उप मुख्यमंत्री दोनों, चाहे वो ब्रजेश पाठक की बात करें या फिर केशव प्रसाद मौर्य की, उन लोगों को भी 6 मंडलों को जिम्मेदारी दी गई थी और सभी लोग लगातार दौरे कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे थे, उसके बाद पूरी संभावना थी कि बड़ी संख्या में अधिकारियों के तबादले होंगे। निश्चित तौर पर उसी क्रम में ये 17 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर को जो विकास प्राधिकरण के थे या फिर नगर आयुक्त थे उनको इधर से उधर किया गया, जिसमें से बात करें महेंद्र सिंह तंवर हैं जो गोरखपुर के वीसी बनाए गए। निश्चित तौर पर गोरखपुर का वीसी बनना आज के लिए इनके लिए बड़ा तोहफा एक तरीके से माना जाए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि गोरखपुर की जिम्मेदारी किसी को अधिकारी को दी जा रही है, तो बाकायदा उसका पहले उसकी कहीं ना कहीं एक तरीके से जानकारी ली जा रही है कि वो ईमानदार है कि नहीं है, उनके काम करने का तरीका क्या है, इन तमाम चीजों को। आज की डेट में अगर बात करें कुछ ऐसे जिले हैं जहां गोरखपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें, अब ये 4-5 जिले ऐसे हैं जहां पर जिम्मेदारी जब मिलती है तो अधिकारी की बड़ी बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और मॉनिटरिंग के बाद ही यहां कुछ उनको जिम्मेदारी दी जाती है। निश्चित तौर पर उसके बाद अगर बात करें नितिन गौर है नगर आयुक्त गाजियाबाद बनाए गए हैं, इसके अलावा बात करें मनीष मीणा मथुरा के सीडीओ बनाए गए हैं, अभिषेक गोयल हैं वीसी वाराणसी बनाए गए हैं, हिमांशु नागपाल हैं वाराणसी के सीडीओ बनाए गए हैं, अतुल वत्स वीसी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, ये तमाम वो नाम हैं जिनको नई जिम्मेदारी मिली। निश्चित तौर पर बिल्कुल आगे भी बड़ी संख्या में आईएएस और पीसीएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आप अभी हाल ही में देखा गया जो दौरे चल रहे थे मंत्रियों के वो लमसम लमसम पूरे हो चुके हैं और अब पूरी रिपोर्ट जो है वो है मुख्यमंत्री को सौंपी जा रही लगातार, और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये पूरे तबादले की प्रक्रिया हो रही है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरों पर आपसे अपडेट लूंगी। तो आज से यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का भी आगाज होने वाला है। 19 से 23 सितंबर तक विधानसभा का ये मॉनसून सत्र चलेगा, जिनमें कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा विपक्ष, तो कानून व्यवस्था और महंगाई पर घेर सकता है विपक्ष। विधानसभा के मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार है। सत्र का 22 सितंबर का दिन महिलाओं के लिए रिजर्व है। विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। कल जहां सर्वदलीय बैठक बुलाई गई ताकि इस सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से ही मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन विपक्ष पहले से ही तैयार है अपने मुद्दों को लेकर, और माना जा रहा है कि आज का जो दिन रहने वाला है वो हंगामेदार रहेगा। देखिए 19 से 23 सितंबर तक ये सत्र रहने वाला है।
और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी और माना जा रहा है जो आज का दिन है वो विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाने का दिन है और आज पूरा ये जो मॉनसून सत्र रहने वाला है हंगामेदार रहेगा। बिल्कुल हाँ, 5 दिवसीय मानसून सत्र का शुभारंभ आज से होगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के जहां एक ओर सरकार ने बाकायदा पूरी तैयारी की हुई है तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी कमर कसी। समाजवादी पार्टी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो 5 दिन का धरना प्रदर्शन जो है वो विधानसभा में करेंगे, लेकिन उनको अनुमति नहीं मिली थी। तमाम विधायक जो थे उनको घर में नजरबंद कर दिया था, जिसके बाद वो प्रदर्शन नहीं हो पाया था। लेकिन आज है अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक होंगे वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए जो है विधानसभा जाएंगे और सत्र में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर सरकार के लिए भी इस थोड़ा संकट होगा, क्योंकि जब विपक्ष हावी होना चाहता है, जब वो मुद्दों को उठाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी जिम्मेदारी के साथ जवाब देना पड़ता है। हालांकि कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि जो भी सवाल होंगे बाकायदा उनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो गरिमा होती है उसको इधर से उधर ना किया जाए, गरिमा के साथ सदन चलाया जाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने की जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने भी तमाम जो विपक्षी दल थे उनसे कहा था कि जो है सत्र चले उस दौरान हंगामा ना हो, जनता से जुड़े मुद्दों को बखूबी उठाया जाए जिससे जनता का फायदा होगा। आज की बात करें तो आज जो है शोक प्रस्ताव होगा, उसके बाद जो विधानसभा की कार्यवाही वो स्थगित कर दी जाएगी। फिर पुनः कल जो कार्यवाही होगी वो दिन काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टी है मुख्य, वो तमाम मुद्दे चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, हाल ही में लेवाना कांड हुआ लखनऊ उसको लेकर के बात हो, या फिर जो लखीमपुर की घटना है उसको लेकर तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने काम करेगी। इस सत्र की एक खासियत यह है कि 22 तारीख का दिन जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उस दिन प्रश्नकाल के बाद सिर्फ महिलाएं बोलेंगी, जिसमें अगर बात करें तो महिलाओं को जो विधायक होंगी, चाहे विधान परिषद की हो चाहे वो विधानसभा की हो, विधानसभा में 46 महिला विधायक हैं, वहीं विधान परिषद के सदस्य जो है 6 महिलाएं हैं, तो ऐसे में इन लोगों को समय दिया जाएगा। 3 मिनट से लेकर के अधिकतम 8 मिनट तक का समय होगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक उपलब्धि है, आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सिर्फ महिलाओं के लिए दिन आरक्षित किया जाएगा और उस दिन महिला सशक्तिकरण को लेकर के चर्चा होगी, उन्हीं के मुद्दों पर बातचीत होगी, महिलाएं इस पर बात करेंगी। निश्चित तौर पर यह सत्र पूरा हंगामेदार होने के आसार ही हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी कोई भी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एलडीओ, सभी पार्टियों ने कमर कसी हुई कि सरकार को घेरना है तमाम मुद्दे को लेकर के, और कहीं ना कहीं विधानसभा का जब सत्र होगा उस दौरान तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा विपक्ष पार्टियों द्वारा और सरकार की ओर से उसका जवाब देना होगा। हालांकि जो मुख्यमंत्री ने साहब तमाम जो मंत्री अपने उनको साफ तौर पर निर्देशित किया है कि जब आप सदन में आएंगे तो बाकायदा अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे, अगर कोई विपक्षी पार्टी का सवाल आता है तो उसको बखूबी उसको उसका जवाब देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ जनता को भी समझाने की कोशिश करेंगे जिनके प्रति आप जवाब दें। निश्चित तौर पर आज का सत्र लमसम की कार्यवाही लमसम 11:15 के आसपास शुरू होगी और उसके बाद जो शोक प्रस्ताव है वो पारित करके उसको इस कार्यवाही जो होगी वो स्थगित की जाएगी। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। तो वही कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की। बैठक में जिलों में डीएम, एसपी, आईजी और एडीजी जुड़े, तो डीजीपी डीएस चौहान भी वीसी के जरिए हुए शामिल। तो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद बैठक में शामिल हुए। एडीजी प्रशांत कुमार ने बैठक में अहम हिस्सा लिया। तो एडीजी क्राइम एमके वशाल बैठक में शामिल हुए। तो आईजी संजीव गुप्ता ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। तो देखिए लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का समय समय पर ये बैठक लेते रहे हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं उसे लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे मामले को खुद संज्ञान में लेते हैं और देखिए उनका जिस तरह इस वक्त कई दिनों से घटनाएं सामने आ रही थी कहीं ना कहीं उसे लेकर इस पूरी बैठक में चर्चा हुई होगी और तमाम और कड़े किस तरह से कानून बनाए जाएं इसके भी निर्देश दिए गए होंगे।
बिल्कुल उत्तर प्रदेश भाजपा की वापसी आज भाजपा की हुई है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के नाम पर हुई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो छवि बनी है वो बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर के बनी है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर नहीं चाहेंगे कि कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हो। हाँ, कुछ दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की नाराजगी थी। तमाम जो आला अधिकारी थे उनको पहले से निर्देशित किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम रेट है उसमें कमी आए, साथ ही साथ महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं उनमें बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, उनमें ज्यादा से ज्यादा कमी लानी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपराधी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है उसमें तमाम आला अधिकारी जुड़े थे, आला अधिकारियों में तमाम जो एडीजी थे, चाहे डीजीपी खुद जुड़े थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जुड़े थे, साथ ही साथ इसके अलावा बात करें एसपी डीएम तमाम अधिकारी जुड़े थे। साफ तौर पर उनसे कहा गया है कि जिले में अगर छुटपुट घटना भी होती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की एक्शन ले, अगर आपको लगता है कि ये घटना बड़ी हो सकती है तो शासन को ऊपर उच्च अधिकारियों को उससे अवगत कराएं। निश्चित तौर पर इसके अलावा जो शराब माफिया है जो ड्रग्स का कारोबार करते हैं उन पर नकेल कसने का निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया, साथ ही साथ महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ की ऐसी घटनाएं हो रही है उन पर अंकुश लगाने के लिए कहा गया, साथ ही साथ जो 112 है उसको उसका रिस्पांस बेहतर करने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ 112 हर टाइम अलर्ट पर है इसका निर्देश दिया गया। निश्चित तौर पर तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि कानून व्यवस्था से कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और अगर कानून व्यवस्था में कोई भी बाधा बनता तो उस पर कार्रवाई करिए, साथ ही साथ अधिकारियों को भी सचेत किया है कि अगर आप लोग बेहतर काम नहीं करेंगे तो आपकी जगह दूसरे अधिकारियों को भी लाया जा सकता है। निश्चित तौर पर यह एक तरीके से मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश कि कानून व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश की पहली पहचान होनी चाहिए और उससे कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। जी ठीक है अश्विनी, आप जुड़े रहिए लगातार, आपके पास लौटूंगी। तो वही मैच के दौरान इकाना स्टेडियम की बिजली गुल हो गई, 15 मिनट तक गायब रही इकाना स्टेडियम की बिजली। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने जारी किया स्पष्टीकरण, तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का स्पष्टीकरण देखने को मिला। फ्लड लाइट इकाना के जनरेटर सेट चलती है, तकनीकी खराबी के चलते फ्लड लाइट बंद हुई, सब स्टेशन से विद्युत व्यवस्था सुचारू थी। तो देखिए इकाना स्टेडियम में मैच खेला जा रहा था और इसी दौरान 15 मिनट के लिए लाइट चली गई। तो वहीं अब इससे लेकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम का स्पष्टीकरण सामने आया है, फ्लड लाइट इकाना के जनरेटर से चलती है तो तकनीकी खराबी के चलते ये फ्लड लाइट बंद हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, इकाना स्टेडियम का ये पूरा मामला आया है जहां इस दौरान मैच चल रहा था और उसी दौरान 15 मिनट के लिए लाइट गुल हो जाती है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े होते हैं और इसके बाद इस पे स्पष्टीकरण भी सामने आता है। हाँ बिल्कुल, हाँ इकाना स्टेडियम में मैच चल रहा था उस दौरान बिजली गई ऐसी जानकारी हुई थी। उसके बाद जो तमाम सोशल मीडिया देखा गया था कि विद्युत जो विभाग है, जो ऊर्जा विभाग है, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। इसके बाद जो मध्यांचल पावर कमीशन है उसने सामने आकर के ट्वीट के माध्यम से बताया कि जो उसकी वहाँ की बिजली है इकाना स्टेडियम की वो जनरेटर के माध्यम से सप्लाई होती है, जबकि मध्यांचल विद्युत निगम है उसकी जो बिजली सप्लाई है बाकायदा जारी है। तो ऐसे में इस तरह का सवाल खड़ा करना थोड़ा सही नहीं है निश्चित तौर पर, क्योंकि वहाँ पर जो बिजली है जनरेटर्स के जरिए दी जाती है, तो ऐसे में वहाँ पर जो सवाल विद्युत निगम से किया जा रहे थे तो उसका जवाब भी सामने आया है और उसने बाकायदा बताया भी, ब्रीफ भी किया है कि ये उनकी फॉल्ट नहीं है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने लखीमपुर खीरी में सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि आरोपित शादीशुदा है तो उन्हें जमीन के अंदर गाड़कर पत्थरों से मारा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शरीयत के अनुसार जिन देशों में कठोर सजा दी जाती है वहां दुष्कर्म की घटनाएं नहीं होती हैं। इसको लेकर उन्होंने सऊदी अरब का उदाहरण भी दिया। सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने अपने बयान में कहा कि कड़ी सजा मिलने से आगे कोई बेटियों के साथ कर्म की हिम्मत नहीं कर सकेगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, वक्त आगे बढ़ रहा है, हालात बदलते जा रहे हैं और नए युग आते हैं। जब नए युग आते हैं तो तहजीबें बदलती हैं, संस्कार बदलते हैं, लोगों के काम करने के तरीके बदलते हैं। कोई नई बात नहीं है, तमाम दुनिया में नारी शक्ति काम कर रही है। सऊदी अरब जैसे कंट्री के अंदर लेडीज़ हवाई जहाज़ चलाने लगी, गाड़ियाँ चला रही हैं, ऑफिसेज़ में बैठ रही हैं,
ये तो अच्छी बात है कि हमारी महिलाएं भी अब कंट्रीब्यूट कर रही हैं डेवलपमेंट के अंदर, और पूरी दुनिया में एक क्रांति आ रही है जो लेडीज की वजह से दुनिया आगे बढ़ रही है। गाजियाबाद में डॉक्टर अरविंद कुमार अकेला को मिली अमेरिका के सिर तन से जुदा करने की धमकी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस तरह का कोई धमकी डॉक्टर को नहीं मिली थी। बिहार के चपरा के रहने वाले अनीश महतो दिल्ली के मालवीय नगर में रहता है। वो एक बीमारी के चलते इस डॉक्टर के संपर्क में आया था। अनीश महतो कंप्यूटर और इंटरनेट का अच्छा जानकार है और उसी ने एक नंबर वर्चुअल रूप से लिया जो नंबर अमेरिका का शो होता था। अपनी बीमारी के सिलसिले में उसने इस नंबर से डॉक्टर से बात की, थी अपने कुछ फोटोज भी भेजे थे। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस नंबर को यह कहकर वायरल कर दिया कि उनको इस नंबर से उनको अमेरिका से सिर तन से जुदा करने की धमकी मिल रही है। वहीं पुलिस अब डॉक्टर के खिलाफ झूठी सूचना देने के मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। मेरे दोस्त है समीर भाई, मैं बीमार था तो उन्होंने करण सर से बताया। करण सर से भी मेरी जान पहचान है, उनके यहाँ भी कंप्यूटर ठीक करना हो जाता था मेरा, क्योंकि उनके गोडाउन में कंप्यूटर्स और वो भी है प्रिंटर्स, तो वो भी ठीक करना होता था मेरा। तो वही पूछते थे मेरे बारे में, मेरी तबीयत ख़राब थी। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे मेरा जानने वाला दोस्त है डॉक्टर है, तो वो आने वाला है, उससे मिलवा देता हूँ, वो अच्छा इलाज करता है। मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर साहब से पहली बार आपने किस बीमारी के बारे में बातचीत की? उस टाइम अस्थमा के बारे में बात हुई थी। ये आपने जो कॉल किया ये विदेशी नंबर शो हो रहा था सब पर, जी हाँ, तो इसका क्या कारण था, किस तरीके से आप कॉल किया सर? ये उन्होंने ही नंबर मांगा था मुझसे और ये यूट्यूब से देखकर बनाया था मैंने। मैं आईटीशियन हूँ तो ये सब रखता ही हूँ अपने पास भी, हर कोई रखता है वैसे तो। नहीं तो क्या कारण था आपने ये नंबर व्हाट्सएप कॉल नॉर्मल कॉल की बजाय ये विदेशी नंबर से स्वाइप कॉल करना चला, एक डॉक्टर से बात करने? सर कोई रीज़न नहीं था, वैसे ही उन्होंने उनको भी चाहिए था ये नंबर, तो उन्होंने कहा कि दिखाओ, वैसे कॉलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें बातचीत करने में। मैंने कहा तो एक काम करो पहले आप यही नंबर ले लो, उससे मैंने फर्स्ट कॉल मैंने की थी उनको। डॉक्टर ने आपसे ये विदेशी नंबर की मांग की थी? हाँ, इस वजह से मैंने उनको वही सबसे पहले यही नंबर दिया था, उसके बाद उसी नंबर से ही बात। देखिए, थाना सिहानी गेट में 9 सितंबर को एक FIR पंजीकृत हुआ था जिसमें कि डॉक्टर अरविंद सकेला ने यह बताया था कि 2 सितंबर को उनको एक इंटरनेट US के नंबर से उनको धमकी मिली थी जिसमें उनको सर्तन से जुना होने की बात की थी। इसमें पुलिस ने गहनता से तफ्तीश चालू कर दी थी। इसमें जिस नंबर से कॉल आया था उस व्यक्ति को हम लोग लेकर आ गए हैं। इसमें पूछताछ में पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम अनीश महतो है जो कि छपरा बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने C++ जावा एवं अदर कंप्यूटर के कोर्स कर रखे हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये अस्थमा के एक पेशेंट है और ये डॉक्टर से पूर्व से ही परिचित हैं। ये डॉक्टर से अगस्त एंड में अपने मित्र करण चौहान के यहाँ मिले थे जिसमें कि करण ने इनको मिलवाया था और डॉक्टर से इन्होंने अपने उपचार के हेतु बातचीत करी थी। डॉक्टर ने इनका नंबर ले लिया था और बाद में ये और डॉक्टर आपस में संपर्क में रहे हैं। इनकी बात 2 तारीख को दोबारा हुई थी जिसमें कि इस पेशेंट ने डॉक्टर को बताया था कि उनके पाँव में सूजन आ गई है, जिसके बाद इन्होंने डॉक्टर ने उनको कुछ दवाइयाँ रिकमेंड करी थी और इन्होंने अपने सूजे हुए पाँव की फ़ोटो भी डॉक्टर को भेजी थी। इसमें हम लोग को ये पूरा मामला संदिग्ध लग रहा था और अब ये प्रूव हो गया है कि डॉक्टर ने अपनी लोकप्रियता पाने के लिए ये हरकत करी है। इसमें डॉक्टर के विरुद्ध झूठी सूचना पुलिस को देने के लिए, भ्रामक सूचना देने के लिए हम इस मैटर को एक्सपंज करके इसमें जो भी आवश्यक बताने कार्रवाई हम तुरंत देखिए। लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। गैर समुदाय के युवकों ने छेड़छाड़ के बाद बुरी तरह पिटाई से जख्मी एक दलित युवती की मौत हो गई है। पुलिस का आरोप है कि उसने शनिवार को पोस्टमार्टम होने के बाद सांप्रदायिक तनाव से बचने के लिए JCB के गड्ढे खुदवाकर जमीन के नीचे मृतका के शव दफना दिया। पुलिस ने ये अमानवीय करतूत उसी पर भारी पड़ गई। मामले का खुलासा होने के बाद हिंदू धर्माचार्य ने मामले को लेकर खासी नाराज जताई है। वही लव जिहाद के मामले में यूपी में पहली सजा
मुस्लिम युवक का अफजल को कोर्ट ने सुनाई है 5 साल की सजा। अफजल पर 40,000 का लगाया गया जुर्माना। धर्म बदलकर अफजल ने हिंदू लड़की से की थी दोस्ती। पुलिस ने 2021 में धर्मांतरण अधिनियम के तहत दर्ज किया था मुकदमा। अब तक जमानत पर बाहर था अफजल। तो लव जिहाद के मामले में यूपी में पहली सजा मिली है मुस्लिम युवक अफजल को। 5 साल की सजा दी गई है तो 40,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। महोबा में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर के विकास को लेकर जिलाधिकारी और पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर में विवाद का मामला सामने आया। खबरों की माने तो पुरातत्व विभाग की अनुमति के बिना मंदिर परिसर में निर्माण और लाइटिंग का कार्य कराया गया था, जिसे पुलिस की मदद से हटवाया दिया गया। आपको बता दें कि अधिकारी और पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर के बीच इस बात को लेकर विवाद के बाद जिले में पर्यटन की संभावनाओं पर भी फिलहाल रोक लगी है। जो भी यहाँ सामान आया था उसके खाली खोखे पड़े हुए हैं और बड़ा मायूसी हुई। बहुत अच्छी लाइटें थी, उससे प्रकाश लग रहा था। और महोबा में कभी कोई ऐसा अधिकारी आता है या ऐसी सोच का व्यक्ति आता है जो यहाँ के विकास के बारे में सोचता है, लेकिन अब पता नहीं क्या पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को लगा, उन्होंने उस हस्तक्षेप करके इसको वापस करा दिया। ड्यूटी सूर्य मंदिर में लगाई है जो रहेलिया गाँव के पास में है, सुरक्षा के लिए लगाई है। कोई उसके अंदर ज़्यादा धूम न मचाए, जाए ना, धूमपान ना करे, यही सुरक्षा के लिए लगाए। जो डिब्बा लाइट लगाई थी उसके खोखा पड़े हैं तो उनकी भी सुरक्षा है, उनकी भी देख रेख करनी। लाइट डीएम साहब ने लगवाई थी, रोड भी डीएम साहब ने डलवाया था, बहुत सुंदर लगता था, लेकिन लाइट निकलवा दी पुरातत्व विभाग वालों ने। कौन किसने जहाँ से आए थे सर, अब पता नहीं कौन है। बहुत अच्छा लगता था लाइट। वहीं नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, साथ ही उनके कब्जे से 85 फर्जी मार्कशीट सहित कई अन्य सामान बरामद किए हैं। आरोपी सेक्टर 63 में किराए का मकान देकर फर्जी मार्कशीट और डिग्री बनाने का काम करता था। वही भोले भाले लोगों पर कम पैसों में अलग अलग कोर्स और डिप्लोमा के सर्टिफिकेट उपलब्ध कराते थे। इससे पहले आरोपी बैंगलोर में भी यही काम करते थे, वहां मामला दर्ज होने के बाद नोएडा में काम शुरू किया। थाना सेक्टर 63 पुलिस के पास एक सूचना थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो यहां पर एक फेक डिग्री, फेक डिप्लोमा, फेक मार्कशीट का रैकेट ऑपरेट कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना सेक्टर 63 की टीम ने इनके ऑफिस जो कि B44 में स्थित है वहां पर रेड करी और वहां से एक व्यक्ति अनंत शेखर है उसको हिरासत में लिया गया है और उसका एक एसोसिएट है उसको भी हिरासत में लिया गया है। वहां से लगभग 85 फेक डिग्रीज, बाकी कंप्यूटर, लैपटॉप सेटअप, कुछ सिम्स और कुछ मोबाइल फ़ोन इत्यादि भी बरामद किए गए हैं। सर कब से चला रहे थे इसको? ये यहाँ पे लगभग जनवरी से चला रहे थे। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो इनसे गूगल ऐड के माध्यम से या फिर डायरेक्टली भी इनसे कॉन्टैक्ट करते थे और अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते थे। अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग उन्हें अलग अलग रेट्स पे जो डिग्री वगैरह है वो उपलब्ध कराते थे। चलिए नमस्ते, यूपी में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।